हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज दीपेश भंडारी तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस बैंक की निफ्टी का एनालिसिस और मैंने क्या ट्रेड लिया उसके पीछे का रिस्क और लॉजिक क्या होगा तो so, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो so, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन और इसकी क्लोजिंग वन ट्वेंटी पॉइंट वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नीचे हुई सत्रह हजार तीन सौ इक्कीस के आसपास तो so, चलिए पहले हम चलते हैं पंद्रह मिनट के कैंडल पर तो पंद्रह मिनट की कैंडल भी हम चेक कर सकते हैं इसकी ओपनिंग हुई और साथ ही में बड़ी सारी रेड कैंडल बन गई उसके बाद अगेन आज थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली क्योंकि बाइंग आज मार्केट में बहुत कम आ रही थी आज लैक ऑफ बायर्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो लैक ऑफ बायर्स थे इसको हम सेलिंग प्रेशर नहीं बोल सकते इसको हम लैक ऑफ बायर्स बोलेंगे क्योंकि सेलिंग प्रेशर क्या होता है सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा ऐसा जब एकदम से मार्केट गिरती रही और लैक ऑफ बायर क्या होगा थोड़ी सी मार्केट नीचे जाएगी जब भी थोड़ी वापिस ऊपर जाने की कोशिश करेगी एक रेजिस्टेंस बनाएगी उसके बाद अगेन सेलिंग आएगी फिर से थोड़ी ऊपर जाएगी अगेन सेलिंग आएगी यहाँ पर मतलब थोड़े लैक ऑफ बायर्स हैं बायर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने का तो अब थोड़ा सा हम ये एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या हो सकता है जो रेजिस्टेंस अपनी काफ़ी देर से ऊपर से चलती आ रही है उसको अगर मैं नीचे तक और लेकर के आऊँ तो देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचती है ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास यानी तीन सत्तर या तीन सौ अस्सी के आसपास ये यह यहां पर पहुँच रही है निफ्टी की रजिस्टेंस तो निफ्टी में हमें कल करना क्या है एक तो मेरे को रेजिस्टेंस इसके बीच में ही दिख रही है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास थ्री नाइन्टी वन के आसपास तो, तो अगर यहाँ तो इसके बीच में कहीं खुलता है और उसके बाद कोई ब्रेड डाउन दे देता है तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे नेगेटिव वाली साइड का स्टॉप लॉस हम हमारा होगा 25 से 30 पॉइंट का और टारगेट हम एटलीस्ट डेढ़ सौ से दो पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी कि अगर 300 सौ का ब्रेकडाउन आता है तो हम 17,150 से लेकर के 17,100 के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, दे देती है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर पच्चीस से तीस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर पहला टारगेट मिलेगा फोर का दूसरा फोर का और लास्ट एंड फाइनल टारगेट हम पाँच से लेकर छः तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट अभी जो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा वो थोड़ा सेलिंग वाली साइड ज्यादा रहेगा क्योंकि डेली बेसिस पर अगर हम चलते हैं वहां पर आज कुछ कैंडल अच्छी बंद नहीं हुई अगर इसने बाइंग मोमेंटम वापस कैरी कर रहा था यानी कि एकदम से रेड कैंडल्स बनी एक ग्रीन कैंडल बनी अगर इसको बाइंग कंटिन्यू करनी थी तो आज इसको किसी भी हालत में ऊपर जाना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे आना इसने शुरू कर दिया था जिसके कारण मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट अब नेगेटिव वाली साइड पर होगा अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी आज ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस की इसने 40,604 के आसपास खुली 308 सौ पॉइंट नीचे बंद हुई 17,000, 40,389 के आसपास इसकी 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं तो 15 मिनट की कैंडल क्या हुआ एकदम से पहले तो एकदम से बहुत शार्प बाइंग गई उसके बाद फिर थैलिंग आई फिर थोड़ी बाइंग आई वैसा ही लैक ऑफ बायर्स वाली मार्केट थी ऊपर से जब यहाँ पर ब्रेकडाउन आया ये मैंने आपका लेवल कल ही बता दिया था 576 के पास ब्रेकडाउन आया तब सीधा अपना जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट था फोर्टी थाउजेंड थ्री सेवनटी नाइन का जो उसने इस कैंडल के आसपास अचीव कर दिया था तो बैंक निफ्टी में भी मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव वाली साइड पर ही ज्यादा रहेगा इनफैक्ट बैंक निफ्टी थ्री एटी नाइन के आसपास बंद हुई है बट लास्ट का जो ट्रेडिंग आता था वहां पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया है यानी कि अगर कल इधर कहीं खुलती है तो वो इसके लिए मैं फोर सेवेंटी फाइव का एक मानता हूं और इधर ब्रेक डाउन दे, दे देती है तब तो हमारा चालीस एक सौ वन सिक्सटी सेवन का टारगेट सेकेंड टारगेट फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी फोर का लास्ट एंड फाइनल टारगेट थर्टी नाइन नाइन हंड्रेड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट अगर इधर के ब्रेकआउट दे देती है तब चालीस हज़ार पाँच सौ छिहत्तर के आसपास उसके बाद चालीस हज़ार सात सौ के आसपास हम दो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट जो हमारा ज़्यादा व्यू रहेगा वो नेगेटिव वाली साइड रहेगा तो अब बात करते हैं मेरे पी एंड एल की तो गाइज आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को निफ्टी में कुछ भी समझ में नहीं आया कि मार्केट किधर जा सकती है कहाँ से रिवर्सल लेगी क्या यहाँ पर एक रिट्रेस में जा आप चेक कर सकते हो जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रही थी अगर कहीं ब्रेकआउट देती तब मैं थोड़ा तेज़ी का प्लान करता या फिर सत्रह तीन सौ के अगर थोड़ी नीचे मतलब ब्रेकडाउन दे देती तब मैं थोड़ा नेगेटिव प्लान कर सकता था बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और इसी के बीच में मार्केट बंद हो गई अब जो मैंने एक ट्रेड लिया है वो एक इंडेक्स में लिया है वो आपको गेस करना पड़ेगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैंने किस में लिया होगा मैंने फिन निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी इन तीनों आप में आप मेरे को बताओ मैंने किधर ट्रेड लिया होगा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने नेगेटिव साइड पे लिया है अब आप जो रिजल्ट आएगा मैं तब आपको बताऊँगा मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ मैं एवरी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फ्राइडे मतलब यानी कि कल या फिर मंडे को उसकी मैं बुकिंग करूँगा आइदर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा मैं तब आपके साथ वो शेयर करूँगा ताकि उसके साथ आप थोड़ा सा अपडेट रहो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कैसे हमें लॉस बुक करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा ये ट्रेड आपको बाद में बात बताने में इंटरेस्टेड रहूँगा बट व्यू आपको मैंने बता दिया कि मैं सेलिंग वाली साइड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा गर्ज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे